ओ मंजीत जाने दो इसको, जाने दो। वैसे भी जाके क्या कर लोगे, 40 मिनट लगेंगे पिंड वालों तक पहुंचने में, ते 20 मिनट में बम फट जाना है गोडाउन, एक एक अनाज जल के राख हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा मैं बोल रहा, क्या करूं मैं, अच्छा आदमी हूं ना तो ऐसी सलाह दे, लेकिन एक खतरा है, वो खतरा है तुम्हारी जान का। हुण बोलो रतन चाची जी, क्या करोगे, खुद को बचाओगे या फिर पिंड को? चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तेनु कामयाब नहीं होने दूंगी, पिंड को बचाऊंगी मैं। बड़ी तेजी नाल जा रहे हो, इतना ना भागा करो चाची जी, उम्र हो चली है, हुण थोड़ा आराम कर लो। चला पर हट जा मेरे रास्ते से। हेलो जी, हट गया। मर गई क्या? ना जी ना, उठेगी भी तो क्या बिगाड़ लेगी साडा, हुण जल्दी तैयार हो जाओ, जश्न में जाना है, 20 मिनट में बम फटने वाला है, मैं इसको कमरे में ले जाकर इसे ठिकाने लगा देता हूं। पुत्रालय, अब तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है, सर नहीं घूम रहा। जी बात है, पीछे ऐसे अचानक से कहां चली गई, ऐसे तो वो कभी नहीं जाती, अब मैंने वाकई बहुत चिंता हो रही है। वीरा पीछे यहीं कहीं होंगी, और यहाँ सारा पिंड आया हुआ है, कोई ना कोई ले गया होगा बात करने, और रणवीर गया ना उन्हें ढूंढने, बस आता ही होगा। क्या हुआ दुग्गल साहब, सब कुछ ठीक? चंगा है बलदेव पुत्र, हम लोग सोच रहे थे कि रतन पैण जी ने इस पिंड के वास्ते इतना कुछ किया है, आज खुशी के मौके पर हम उन्हें मंच पर बुलाकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। पिंड के किसान भाई भी आए थे ये बात कहने के लिए, अब तुसी सरपंच हो, बताओ ऐसा कर सकते है कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए जी, पीजी ने सरपंच के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद पिंड की भलाई का काम नहीं छोड़ा है, अरे जो जश्न हम मना रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है। नहीं किसान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उन्हें सम्मान तो जरूर करना चाहिए। मैं अभी सब तैयारियां जाकर देखता हूँ, तुम रतन बहन जी को ले आना। फिर जी ढूंढ तो लेंगे ना बीजनो, तब तक ये जरूर आप तैयारियां करो, मैं बीजी को लेके आता हूँ। लेकिन 10 मिनट में बीजी को कहां से ढूंढ कर लाएंगे? फिक्र मत कर, मैं हूं ना, देखता हूं कुछ। तो है लेकिन तू पिया हुआ, हम दोनों जाकर ढूंढते तो शायद मिल भी सकती, लेकिन बीजी अपने आप ही वापस आ जाएंगी, उन्हें पता तो चली गया होगा पिंड वालों से कि उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो फिक्र मत कर। पता तो तब चलेगा ना जब बीजी आऊंगी, इसी पता नहीं कहां मैंने सारा सारा मैदान ढूंढ लिया, ना ही उनका फोन मिल रहा है। कमाल की गल है, सारे पिंड वाले यहाँ पे, कल ही वही पता नहीं कहाँ चली गई। दादी भी तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, पर जय जी को तो मैंने भी ढूंढा था, वो कहीं नहीं है। तूने ठीक से नहीं देखा बंसरी, वो क्या है ना कि मैं थक गई थी, इसी वास्ते यहीं कोने में बैठी हुई थी। ताई जी आपने कहीं बीजी को देखा? नहीं पुत्र। पता नहीं बीजी बीजी कहाँ चली गई है, शायद घर गई होगी ना किसी काम से।
हाँ हाँ हो सकता है घर गई हूँ, मैं देख के आता हूँ। मैं भी आती हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ। कहाँ हूँ पीजी, जल्दी वापस आओ, फिक्र हो रही है बहुत। बहुत अजीब सा लग रहा है कुछ। ऐसे ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। बीजी बीजी कहीं पे भी हमें हमें बिना बताए नहीं जाती हैं। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? रणवीर की गाड़ी की आवाज। रणवीर, रणवीर, रणवीर! फिकर ना करिए रणवीर, बेचारू कुछ नहीं होगा। रणवीर! रणवीर की गाड़ी अभी भी आसपास ही है, कुछ भी करके उस तक पहुंचना ही होगा। प्रीतम पुरावासियों, रतन पैण जी ने इस पिंड के लिए इतना कुछ किया है, जैसा कि एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी तरह से उन्होंने पिंड वालों का ख्याल रखा है। हम उनके पिंड पर किए हुए एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकते, पर हाँ आज एक खुशी के मौके पर हम उन्हें सम्मानित करके ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे दिल में उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत है। मैं हमारे सरपंच जी से दरखास्त करता हूँ कि आज वो यहाँ आकर रतन पैण जी को यहाँ लाएं और हम पिंड वालों की तरफ से एक छोटी सी भेंट उन्हें दें। सरपंच जी, रतन पैण जी है कहाँ? दरअसल वो पीछे यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है, काफी देर से नहीं पता। वीर जी घर देखने वास्ते गए शायद वहाँ। कोई गल नहीं, रणवीर पुत्र उन्हें लेकर आता ही होगा, आप परेशान मत हो, कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा रतन पैण जी को। परेशानी वाली बात है, कितना ही जरूरी काम हो बीजी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती। ले भाई, हम दोनों ने ना गुरुद्वारे में भी जा करके देखा, चाची वहां पर भी नहीं है। तो लंगर के पास देखा था? हाँ भाजी, वहां भी देख लिया, वहां भी नहीं है। सुनना, पता नहीं क्यों मैंने बहुत अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है बीजी जरूर किसी मुसीबत में।
अरे वीरा तू ऐसा क्यों सोच रही है, बुरा क्यों सोच रही है? बीजी आ जाएगी, तू फिक्र ना कर, पर रणवीर आता ही होगा उन्हें। रतन वापस नहीं आएगी बलदेव, क्योंकि अब तक तो वो ऊपर पहुंच चुकी है। ये तो जी पिंड का जश्न है, हम तो आज मर्दों वाली पार्टी से आ रहे हैं। ये तो जी दिलावर का प्लान था, और सारा इंतजाम बिना दिलावर पारी ने किया था वहां पर। दिलावर कहाँ थे? वो भी तो काफी देर से दिखाई नहीं दिया, कहाँ है वो? जी वो तो हमारे साथ बैठ के दारू पी रहा था, वो तो वहीं टल्ली होकर के सो गया। लेकिन तुम तीनों तो कब से आ चुके हो ना, वो क्या अभी भी वहाँ पर है? हाँ वो वहीं पे शॉल ओढ़ के वहीं पड़ा हुआ था। गुंजन बीजी ऊपर नहीं, रणवीर बीजी पूरे घर में नहीं है। पूरे घर पे नहीं था, काम आया का बीजी गुंजन के बीजी को कुछ नहीं। रणवीर ऐसा नहीं हो सकता, हम सारा पिंड बीजी की हिम्मत की मिसालें देते हैं, हम तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो गई कहाँ है बीजी? रणवीर हो सकता है बीजी मैदान वापस लौट आई हो। तो मैदान वापस लौटी होती तो मीरा ने मैंने फोन किया होता। रणवीर कहीं वो अस्पताल तो नहीं गई हो पीजा पर जाए से मिलने? दिलावर तो यहाँ नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सिर्फ दिलावर और बीजी का कुछ पता ना हो। कहीं हमने दिलावर पे कुछ ज्यादा ही जल्दी तो भरोसा नहीं कर लिया? बीजी के कारण दिलावर को किसानों का कर्जा माफ करना पड़ा, अगर वो बीजी से बदला लेने के लिए कुछ सोच रहा हो तो। नहीं नहीं मैंने वीर जी को बताना चाहिए। भाभी जी माफ करना, भाभी जी आज कुछ ज्यादा हो गई, वैसे तो मैं इतनी पीता नहीं बट पता नहीं क्या हो गया। अरे वीरा चल यहाँ से, शराबियों से बात करने का क्या मतलब है? सही कह रहा है, शराबियों से गल करने का ना कोई मतलब हो ही नहीं सकता, है ना? अरे नहीं सुन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। कहाँ फंसा लिया यार तू? दस मिनट और। मैनू शक्ति दो रब जी, मैं समय से वहां पहुंचकर पिंड के अनाज को बचा सकूं। वीरा को एक बार फोन कर, कुछ पता चला? की होया? वीर जी का फोन तो नहीं आया अभी तक, पता नहीं कि बीजी मिली है या नहीं मिली है। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तो सुने काम कर, नहीं रुक, मैं बिल्ला और जग्गी को लेके जाता हूँ बीजी रूम में, ठीक है? चिट्टू चिट्टू ठीक है ना? कोई चोट वोट तो नहीं आई ना? और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? रणवीर पाजी मैंने अभी अभी आपकी बीजी को देखा। कहाँ देखा बीजी? करम काका के खेत के पास, उन्हें बहुत चोट आई थी और बहुत सारा खून भी निकल रहा था। चिंटू तेनू पता चला कि बीजी कहाँ जा रही है? अनाज के गोदाम के पास। थैंक यू चिंटू, चलो चलो चल 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 चिंटू चल।
चल चल रणवीर, मैं वीरा को फोन करके जल्दी से कह देती हूँ कि गोदाम की तरफ आ जाए, तू जल्दी जल्दी चला। ओ बच्चा कह रहा था बीजी को खून निकल रहा है। में होगा भागते हुए देखा, बच्चे ने उनको देखा था, उनको चोट लगी और बहुत खून भी बह रहा है। चोट लगी तो हमें बताने की बजाय गोदाम की तरफ क्यों गई? जरूर कुछ गड़बड़ है पुत्र। चलो चलो सब वहीं चलते हैं। बीजी आप गीत और दीपू को लेके बिलाई गड्डी में आओ, मैं वीरा और पापा जी को लेके जा रहा हूँ। चलो, चलो नहीं देवर जी, मैं वीरा के साथ आती हूँ। पुत्र ठीक कह रही तू, वैसे भी बहुत घबराई हुई है, तेरे साथ की जरूरत है। चलो चलो चलो। कटीनू क्यों आया? है कटीनू भी अभी खराब होना था। चल रणवीर, मैनू लगता है गड्ढे में अटक गए, हमें पैदल ही निकलना होगा। चल 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 चल। भरोसा रख वीरा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बस आंखें बंद कर और बाबा जी का नाम। कुछ नहीं होगा कि पीछे किसी न किसी मुसीबत में मेरा मन घबरा रहा था, देखो ना। कुछ नहीं होगा वीरा, तू शांत हो जा। गजब रुक गया। क्या हो गया? अरे वो रतन तेरी कैसे भाग गई है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई। तेरी उसने कुछ अपने बारे में कहा तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं, पर बता जरूर देगी। सबनों पता चल गया है कि वो लहूलुहान हालत में अनाज की गोडाउन की तरफ भागी है, सब उसके पीछे गए हैं। अब तो सीधी ना खाम खाम मैनू डराते रहते हो बस। है डराती रहती, क्या हो गया तेरे, पागल हो गया? मैं तुझे कह रही हूँ कि सब उसके पीछे गए हैं, सबको सब कुछ बता देगी वो, फिर वो सब लोग हमारी जान ले लेंगे। वो जान ते तब लेंगे ना जब खुद बचेंगे। एक गल दसो मैनू, जब केकड़ा पग जांदा है ते वो काटता है क्या? नहीं ना, ऐ सोचो कि 5 मिनट में बम फट जाना है, ते फिर रतन दे साथ साथ उसके सारे घर वाले भी जल जाएंगे। असी सोच रहे थे कि बस किसाना दा अनाज जो है वो जल के राख हो जाए, लेकिन नहीं, हुण घर वाले भी जल जाएंगे। ऐ ते खुशी मनाने की गल है, खुशियां मनाओ है, हुण आएगा मजा। देखा देखा, छेती बैठो।
कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा ना हमारे साथ माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कितना वक्त है हाथ में, कभी भी फट सकता है बम। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।